Hello friends, welcome to Target Topic. I am Harihar. Today we have a special topic that we are going to discuss here, the NITI Aayog. Friends, this video will be in both Hindi and English language. मैं यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया हूँ, तो चलिए बिना देरी के डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नीति आयोग एस्टैब्लिश, कब नीति आयोग एस्टैब्लिश यानी अवस्थापित हुआ? ये 1 जनवरी 2015 से. अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर है ए यानी न्यू दिल्ली. अगला सवाल, करेंटली हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, हाल ही में नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है? आंसर है नरेंद्र मोदी. अगले सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. एक बार, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. अगले सवाल, करेंटली हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, हाल ही में नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है? आंसर है राजीव कुमार, ऑप्शन ए राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है. अगले सवाल, करेंटली हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत, अमिताभ कांत जी है सीईओ के, नीति आयोग के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. अगले सवाल, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का ओल्ड नेम यानी पुराना यानी फर्स्ट ये किस नाम से रेगुलेट होता था? ये प्लानिंग कमीशन. अगले सवाल, व्हेन प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश, कब प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया? आंसर है 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950. अगला, यहाँ हम ऑब्जेक्टिव वो देखेंगे, क्या क्या नीति आयोग काम करता है. ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करता है इन स्टेट डेवलपमेंट के, और ये गांव के विलेज लेवल के डेवलपिंग प्लान्स को भी देखते हैं, और ये पॉलिसी प्रिपेयर करते हैं और कलेक्ट करते हैं फीडबैक फ्रॉम पीपल एंड इम्प्रूवमेंट्स, टाइम टू टाइम फीडबैक लेते हैं लोगों से, और ये नेशनल जातीय और अंतर्जातीय स्तर के भी एडवाइस देते हैं, और ये हमारा देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉलिसी को काम से हेल्प करता है, और ये डिफरेंट इंटर सेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ को भी एग्जीक्यूशन को प्लान करता है, और ये अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करने की मदद करती है, और ऑल्सो कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्पोर्टेंस देते हुए हमको जानना चाहिए कि मेंबर्स ऑफ नीति आयोग को कौन कौन है इसके मेंबर. आपको पता ही कि चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है, और गवर्निंग काउंसिल चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर हैं वो इसका गवर्निंग काउंसिल बॉडी में रहते हैं आते हैं, और वाइस चेयरपर्सन एक रहते हैं,
फुल टाइम मेंबर्स 3 रहते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स 2 रहते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स 4 मेंबर्स फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से 4 मेंबर इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। और इसका सीईओ जो आते हैं वो रैंक ऑफ सेक्रेटरी के रैंक से आते हैं, यानी फिनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, इसे उसमें से चुना गए सेक्रेटरी यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद में रहते हैं। और स्पेशल इन्विटीज में आते हैं स्पेशल एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स के एक्सपर्ट यहाँ स्पेशल इन्विटीज में रहते हैं और सेक्रेटेरिएट में एक मेंबर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल अबाउट इट्स